शुरू करते हैं डिस्कशन। बोलो एक्सरसाइज टू में डाउट्स, क्वेश्चन नंबर फाइव तक। सर दूसरा चौथा पंचवा। सर दूजा चौथा ते पंजवा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में एक चीज है वॉटलेस करंट। अब ये क्या चीज होती है ना, वॉटलेस करंट क्या होता है? नाम से हमें जैसे समझ में आ रहा है, वॉटलेस करंट मतलब वो करंट जो पावर कंजम्पशन ना करे, वो कंपोनेंट ऑफ द करंट विच डज नॉट कंज्यूम द पावर, वॉटलेस, उसको वॉटलेस बोला जाता है। और वो कितना होता है, कैसे निकालते हैं हम? मेरे पास अगर इफ आई हैव, लेट्स से अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊं, दिस इज लेट्स से करंट एंड दिस इज लेट्स से वोल्टेज, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट, राइट। तो जो पावर कंजम्पशन है, पावर, एवरेज पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ठीक है। तो लेट अस डिवाइड दिस करंट इंटू टू कॉम्पोनेंट्स, इस करंट के दो कॉम्पोनेंट्स डिवाइड कर लेते हैं, एक कॉम्पोनेंट जो वोल्टेज के परपेंडिकुलर है और एक कॉम्पोनेंट जो इसके अलोंग है। जो कॉम्पोनेंट आई का इस वोल्टेज के अलोंग होगा वो कितना होगा? आई इंटू कॉस फाई, और जो कॉम्पोनेंट इसका परपेंडिकुलर होगा वो होगा आई इंटू साइन फाई। और पावर में कौन सा कॉम्पोनेंट आ रहा है? आई इंटू कॉस फाई, तो वी इंटू आई इंटू कॉस फाई ये एक्चुअली पावर कंजम्पशन है। तो मतलब जो आई साइन फाई कॉम्पोनेंट है इसके कारण पावर कंजम्पशन जीरो होगी। In other words, we can say that I sin phi and voltage, इन दोनों में एंगल कितना है I sin phi और वोल्टेज में? 90 डिग्री का। तो I sin phi is perpendicular to what? Voltage. और जब एंगल 90 डिग्री होता है तो पावर कंजम्पशन जीरो होती है, ठीक है, क्योंकि पावर कंजम्पशन cos थीटा है। तो I sin phi जो पावर कंज्यूम नहीं करता इसको वॉटलेस करंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वॉटलेस करंट, ठीक है। तो कॉपी में लिख लो, ये मैं लिखवा देता हूं। नोट्स में ही लिख लो, इनफैक्ट इसको शेयर करके इधर लिख लेते हैं। हमने जहां पे पावर लिखा था ना वहीं पे लिख लो चाहे, ठीक है, एवरेज पावर कंजम्पशन में। चलो याद लास्ट में लिखवा देता हूं तुम लोगों को वॉटलेस करंट के बारे में। लिखो, टॉप वॉटलेस करंट, इट इज दैट कॉम्पोनेंट ऑफ द करंट which does not consume, yeah, which is not responsible for the power consumption, which is not responsible for the power consumption in the AC circuit,
which is not responsible for the power consumption in the AC circuit. इसकी फोटो बना लेते हैं. Let's say this is the ये एंगल है फाइ. दिस इज करंट, दिस इज वोल्टेज. इसके दो कंपोनेंट्स ड्रॉप कर दो. तो एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होगा दिस कंपोनेंट इज आई कॉस फाइ and this component is I sin phi. I cos phi is responsible for power consumption. And I sin phi is not responsible for power consumption. Okay. Therefore, I sin phi is the wattless current. And I cos phi ko watt full current bol diya jata hai, but not needed. Wattless is the majorly used term. वॉटलेस करंट वैसे करंट सीबीएसई सिलेबस में से हटा दिया गया है, जो डिलीट हुआ था सिलेबस उसमें से ही हटा दिया गया. बट अगेन वही जेई का हमें पता नहीं है. ठीक है, तो गॉट इट. वॉटलेस करंट क्या होता है, किसी को कोई दुख दुविधा इसमें? तो अगर वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो नाउ कैन वी फाइंड द वॉटलेस करंट? हमें बेसिकली आई साइन फाइ फाइंड करना है. ठीक है, तो आई तो हमें पता है, निकाल सकते हैं. ठीक है, आई निकाल लो वी अपॉन जेड करके एंड साइन फाइ निकल जाएगा. कैसे निकलेगा साइन फाइ? फाई निकाल सकते हैं, टेन फाई निकाल लेना यूजिंग काई एल अपॉन आर, वहां से फाई आ जाएगा, फिर साइन फाई आ जाएगा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट दी वॉटलेस करंट. ओके, नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर फाइव तक और डाउट? सर फोर्थ एंड फिफ्थ. क्वेश्चन नंबर फोर, कैपेसिटर ऑफ नहीं, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है. कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर टू बी पुट इन सीरीज टू रन द लैंप. लैंप हमें दे रखा है 20 वोल्ट 5 वाट का, उसको एसी के साथ 220 वोल्ट के साथ लगाएंगे. ऑब्वियसली उसको अगर डायरेक्ट लगाएंगे उड़ जाएगा, क्योंकि 20 वोल्ट सहन कर सकता है, उससे ज्यादा वो सहन नहीं कर सकता. तो हमें साथ में एक कुछ ना कुछ और लगाना पड़ेगा, या तो कैपेसिटर लगाओ, या इंडक्टर लगाओ, या फिर रेजिस्टर लगाओ. तो मेरे ख्याल तीनों पार्ट है इसके, पहले कैपेसिटर पूछा है, फिर इंडक्टर पूछा है, फिर रेजिस्टर पूछा है. तो तीनों में सेम ही मेथड लगेगा. कैन वी फाइंड द मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू दिस लैम्प? मैक्सिमम करंट कितना आएगा? 1/4. करेक्ट, इट इज 1/4, राइट? इस 5/20, दैट इज 1/4 एम्पीयर. ये होगा मैक्सिमम करंट इसमें से जो फ्लो कर सकता है. तो अगर 1/4 से ज्यादा हुआ इसमें से आरएमएस करंट, अगर 1/4 से क्रॉस किया ये फूक जाएगा, उड़ जाएगा ये बल्ब. ठीक है, तो अब लगा दो, ये रेजिस्टेंस है बल्ब, साथ में लगाएंगे कैपेसिटर.
इधर लगाएंगे एसी सोर्स, ये 220 वोल्ट ये है, यहां पे आना चाहिए 20 वोल्ट, तो इधर ऑब्वियसली आना चाहिए 200 वोल्ट, ऐसा ही है क्या? इसके पास 200 वोल्ट आना चाहिए है ना? हाँ जी सर, मैं करंट ना कीता नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो, क्या इसके अक्रॉस 200 वोल्ट आना चाहिए? अगर 20 वोल्ट उसका है, 200 उधर आएगा, तभी तो टोटल 220 होगा। हाँ जी सर, बट करण और अर्षित को तो ऐसा लग नहीं रहा। कृतिका को भी नहीं लग रहा अब। इसके अक्रॉस दोस्तों कोई बताएगा? करण और अर्षित को छोड़ के अर्पिता, तो कैलकुलेट होगी, कैसे होगी कैलकुलेट? इसमें सीधा सीधा रिलेशन ऐसा नहीं लगता, सब में नहीं आता, रूट करके आएगा। करेक्ट, इसमें ऐसा नहीं होता। अरे इसमें होता है रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 220 आना चाहिए है ना? रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर का होल रूट मतलब इज 220, तो यहाँ पे ऐसा सीधा नहीं आता। चलो हमें तो कुछ मतलब नहीं, हम तो करंट के साथ करेंगे। तो करंट कितना जाना चाहिए इधर? करंट जाना चाहिए 1/4, आई इज इक्वल टू 1/4। तो इसमें हमें करंट पता लग गया, इसमें हमें करंट पता लग गया। अब हमें निकालना क्या है इधर? हाँ, तो दिक्कत क्या है इसमें दीप? सर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सर तीनों दे आंसर ही नहीं मैच कर दे पे, आंसर ही नहीं मैच कर दे पे। मेरे भी नहीं आंसर आए। अच्छा क्या किया जरा बताओ, देखते हैं। सर रेजिस्टेंस काट ली, हुआ गई सी 80 रेजिस्टेंस कितनी आ गई? 80 P is equal to V square by R 204, हाँ 80 आ गई, ठीक है। उधर बाद करंट आ गया इसका 1/4, करंट आ गया बाद फिर I is equal to V by Z, I is equal to V by Z, ठीक है। उधर तो Z आ गया 200 B by I 1/4, तो Z आ गया 880 है ना? हाँ जी सर। अब Z क्या होता है? रूट ऑफ मतलब Z square is R square plus काई C square, तो काई C आ जाएगा मेरे पास रूट ऑफ कितना है Z कितना 880 द स्क्वायर माइनस 80 द स्क्वायर, एक काई C आ गया, और इसको इक्वेट कर देंगे 1/ωc से। ओमेगा मेरे को दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 100π, अच्छा तो यहां से आंसर निकालना तुम लोगों ने। नहीं आ रहा क्या यार? नहीं आ रहे सर, मतलब जब ही इदां कीता सीगा। ठीक है भाई, मेथड तो यही है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है, हाँ आई नो, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का तो होगा झोल। नहीं करें, चाहे वोल्टेज निकाल के कर ले तब भी आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि इनडायरेक्टली हम चीज तो वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, कैलकुलेटर से चेक किया तो आ गया था हर्षित, ठीक है। मेथड यही लगाया था हर्षित? अनम्यूट कर जरा। यस सर, मेथड यही लगाया? मेथड तो यही लगाया इसने। सिमरन नहीं, 200 एक्चुअली 200 लेके तुम्हारा अप्रोक्सीमेट हो सकता है सिमरन आ रहा हो, क्योंकि
वोल्टेज जो है अप्रोक्सीमेटली 200 आएगी, एग्जैक्ट 200 नहीं आएगी। जब हम रूट ऑफ 220 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास ही आएगी, 200 और 220 के बीच में आएगी। ओके तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा उससे, बट 200 वोल्टेज नहीं आएगी इधर। ओके गाइज, तो मेथड इसमें यही है जो हमने अभी किया। ओके तो हर्षित का आंसर आ भी गया है, तो उसने कैलकुलेटर यूज करके वेरीफाई कर लिया है, बट वी डोंट हैव टू यूज द कैलकुलेटर। तो आप लोग इसको उसी मेथड से एक बार करना ट्राई, ठीक है? एक बार मैं चेक कर लूंगा इसका आंसर। ओके सर, ये जो हमने आई निकाला है था, ये मैक्सिमम था या आरएमएस था? आरएमएस 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 इट वाज आरएमएस। यू आर टॉकिंग अबाउट आरएमएस? ओके सर। करण, 220 भी आरएमएस है, 20 वोल्ट भी आरएमएस है। जो रेटिंग वोल्टेज होती है वो आरएमएस होती है, यहां पे दोनों आरएमएस है ये। ठीक है, सेम तरीका आपको इंडक्टर के लिए यूज करना है और रेजिस्टर के लिए तो बहुत आसान है करना। ठीक है, नेक्स्ट 10 तक कोई डाउट? इसको लास्ट में चेक कर ही लेंगे एक बार कैलकुलेटर से। फिफ्टीन तक कोई डाउट? सो लेट्स सी द स्क्वायर। माइनस 64 7680 divided by 14 divided by 876.5. C की वैल्यू आ रही है 3.63 माइक्रोफेरेड। इस क्वेश्चन में C की वैल्यू 3.63 आ रही है। आंसर क्या दिया हुआ इसका पीछे फोर्थ का? कैलकुलेशन है गंदी वाली। एट नहीं दिया अक्षिता, कह रही है फोर दिया हुआ है। अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, फोर्थ का आंसर है। फोर्थ का आंसर हाँ एट दिया हुआ है। गड़बड़ आंसर। फिफ्थ में भी ऐसी है क्या गड़बड़? हाँ सर, फिफ्थ से सिक्स सर दोनों दे बच्चे भी आंसर गलत आ रहे हैं। फिफ्थ से सिक्स दे भी आंसर गलत है, फिर तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। सिक्स दा भी मतलब जेडी रेजिस्टेंस वो भी गलत दी हुई है इन्होंने।
अगर फिफ्थ फोर फाइव सिक्स तीनों के आंसर गड़बड़ है फिर मतलब ये रेटिंग ही गलत है, कुछ क्वेश्चन में डेटा में ही गड़बड़ है। ठीक है सर, ठीक है मैं इसको ठीक करा दूंगा क्वेश्चन को। अर्षित है? अर्षित अबे किधर है, कनेक्टेड ही नहीं है, भाग गया वो। वो तो कह रहा था कैलकुलेटर से आ रहा है। तो डेटा ही गलत है। ओके 15 तक कोई डाउट? 20 तक? ट्वेंटी फाइव तक? सिंपल एक्सरसाइज ना, ये चैप्टर ही सिंपल है। नहीं 24, 12 ओम रेजिस्टर एंड अ 0.21 हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स ऑपरेटिंग एट 20 वोल्ट 50 द फेज एंगल बिटवीन। फिर भी क्या है इसमें दिक्कत? मुझे लग रहा है इसमें भी अप्रोक्सीमेट ही करना पड़ेगा, अगर 40 या 80 है आंसर इसका। इसमें अंदाजा लगाना पड़ेगा ऑप्शंस के साथ। तुम्हारे पास टेन फाइव की अगर वैल्यू निकाल ली, तुमने टेन फाइव कितना आ रहा है? फिर भी ज्यादा आ रहा है क्या? काफी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन फाइव? सर बड़ी अजीब सी वैल्यू आ रही थी टैन फाई की, मतलब अजीब मतलब कुछ नंबर आ रहा होगा, 11/2 कह काफी रहा बड़ी था। फिगर अगर आ 11/2 रही है थी। मतलब इट इज ग्रेटर देन, अगर आ रही है ग्रेटर देन वन मतलब एंगल 45 से बड़ा होगा, ठीक है। हाँ और जी 90 पे इनफाइनाइट होती है, काफी बड़ी वैल्यू होती है 1/0, तो दैट मींस एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज 80। ओके सर, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था तो। नहीं बस इसमें तुम्हारी अगर वन से बड़ी आ गई तो सीधा आंसर 80 बन गया। हाँ जी सर, वन से तो बड़ी आ रही थी वाली। हाँ बस ठीक है फिर तो आंसर 80 आएगा। अर्षित आया वापस? किसी ने कनेक्ट तो किया। हाँ अभी अर्षित अनम्यूट कर जरा। हाँ तू यस सर, तो कह रहा था कैलकुलेटर से आ रहा है उसका आंसर, कैलकुलेटर से भी नहीं आया उसका तो आंसर। सर फिर मैंने कोई मिस्टेक कर दी होगी शायद इस कारण से ही, मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा था, अप्रोक्स आ रहा था मेरा अप्रोक्स तो। में भी कहाँ पे 3.6 आ रहा भाई, आंसर पीछे हेट दिया है। सर फिर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी, मतलब सॉल्व करते हुए। ठीक है क्वेश्चन नंबर 30 तक। नाइनटीन में फ्रीक्वेंसी, करण 19th में अपने पास उसने फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है। तुम देखो कि 600 या 500 रेडियन पर सेकंड, मतलब ओमेगा की वैल्यू है या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, बस सिंपल सी बात है। अगर ओमेगा की वैल्यू 600 आ रही है तो ए टिक कर दो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 600 आ रही है तो बी टिक कर दो। थर्टी फाइव तक फोर्टी तक थर्टी सिक्स की फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सेम दे रखी है। अच्छा फर्स्ट एंड थर्ड रीडिंग्स इन एम्पियर एंड वी वन आर ऑलवेज इन फेज, रीडिंग्स इन एम्पियर मीटर, एम मीटर एंड वी वन आर ऑलवेज इन फेज। ओ यार तो
ठीक है ना, अगर ठीक है तो दोनों को ठीक कर दो, नहीं तो दोनों को गलत कर दो। एमीटर किधर लगा है? मेन सर्किट में लगा है, और V1 जो है वो कैपेसिटर में है। तो कैपेसिटर में कौन लीड करता है? करंट लीड करता है, तो वो तो नहीं होंगे सेम फेज में, दोनों ही गलत हैं। तो ठीक है, थर्टी नाइन डाउट है। 39 में उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स, देखो रिएक्टेंस का ग्राफ कौन सा होगा? इसमें रिएक्टेंस जो है वो दैट इज काई काई नेट, विच इज काई एल माइनस काई सी, या फिर काई सी माइनस काई एल, मतलब कुछ भी एक इनमें से ले लेते हैं। ठीक है, तो टोटल रिएक्टेंस की वैल्यू बतानी है। अब हमें ये पता है कि अगर ओमेगा लेस देन रूट ऑफ एलसी होता है, अगर ओमेगा लेस देन रूट ऑफ एल सी होता है इस टाइम पे जो है, काई एल लेस देन काई सी होता है, राइट? मतलब कुछ जो इसकी नेट रिएक्टेंस बनेगी दैट वुड बी काई सी माइनस काई एल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाएंगे, हम रिएक्टेंस को मान लेते हैं काई सी माइनस काई एल का, इसका ग्राफ बनाएंगे विद ओमेगा। नेट रिएक्टेंस जीरो कब होगी? ये जीरो कब होगी? जब काई सी और काई एल बराबर होंगे। ठीक है, उस टाइम पे ओमेगा वन बाय रूट ऑफ एल सी होगा, नेट रिएक्टेंस जीरो। तो जहां पे नेट रिएक्टेंस जीरो नहीं हो रही वो तो ग्राफ गलत ही हो गए, ये भी ग्राफ गलत है, मतलब ये वाला ग्राफ गलत है, बाकी तीनों में एक ना एक बार जीरो हो रही है। अब काई सी माइनस काई एल जो है वो पॉजिटिव होगा कब? जब काई सी इज ग्रेटर देन काई एल। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, ओमेगा जो है लेस देन रूट ऑफ वन बाय रूट ऑफ एल सी होगा, इस टाइम पे कैपेसिटिव नेचर का होता है, ये पॉजिटिव होगा। जब ओमेगा ग्रेटर देन वन बाय रूट ऑफ एल सी होगा तो उस टाइम पे काई सी जो है वो कम हो जाएगा काई एल से, और काई सी माइनस काई एल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो पॉजिटिव से जीरो पे जाएगा, फिर जीरो से नेगेटिव में जाएगा। तो कौन सा ग्राफ ऐसा है, पहले पॉजिटिव है फिर जीरो है फिर नेगेटिव, मतलब साइन चेंज होना चाहिए, वो डी ग्राफ है। तो आंसर बन जाएगा इसका डी। ठीक है, इसको एक और लॉजिकल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं सिर्फ ओमेगा का मतलब काई एल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाऊं, वो कैसा बनेगा? काई एल वर्सेस ओमेगा का ग्राफ, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ? स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। इनमें से बता सकते हो कौन सा ग्राफ काई एल वर्सेस ओमेगा का है? करेक्ट, इट इज ए, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला जो ग्राफ है ए वाला, दिस इज काई एल, एंड काई सी का ग्राफ बता सकते हो कौन सा है? काई सी का, बिल्कुल करेक्ट है। काई सी जो काई एल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, एंड काई सी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो उसका ग्राफ बनेगा सी, दिस इज काई सी, ये काई सी का ग्राफ है। जहां पे काई एल और काई सी बराबर हो रहे हैं वो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे काई एल इज इक्वल टू काई सी, काई एल और काई सी बराबर आ गए ना, तो यहाँ पे जो नेट काई है वो जीरो हो जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब टेढ़ा जरूर है, समझ लो इसको, थोड़ा फीलिंग भावना समझो इसकी। ठीक है, तो ये क्या है, नेट काई जीरो हो गया इधर, ए टू लेके, ए से लेके, नहीं इसको ए नहीं, इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लो पी, पी से लेके क्यू पॉइंट तक कौन ज्यादा है? काई सी ज्यादा है। कौन ज्यादा है? काई सी। तो ग्राफ ऊपर आया। अब क्यू से आगे यहां पे ये जो ग्राफ है काई एल बढ़ गया, इस पोर्शन में काई सी इज ग्रेटर देन काई एल, इस पोर्शन में काई एल इज ग्रेटर देन काई सी।
तो सब कुछ जस्टिफाई हो रहा है, हमने एक तरीके से कर लिया मैथमेटिकली, दूसरे तरीके से ग्राफिकली भी इसको जस्टिफाई कर लिया, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि तीनों के ग्राफ कंबाइंड बना दो तब भी तुम लोग बना सकते हो, समझ गए? बात चमक आ गई, चमक गई, ठीक है। और डाउट बोलो 45 तक। An alternating EMF of frequency is applied to an LCR circuit. For this frequency of the applied EMF, the circuit is at resonance and its impedance is made up of only a reactive part. हाँ भाई, क्या दिक्कत है अर्षित? अनम्यूट हो जा जरा। मतलब होना चाहिए। हैं? इसमें होना नहीं चाहिए। इम्पीडेंस वाला पार्ट है वो इसका। रेजोनेंस में इम्पीडेंस क्या होती है अर्षित? सर आर ही होती है। आर होती है ना, और इसने क्या बोला है? इम्पीडेंस इज मेड अप ऑफ ओनली रिएक्टिव पार्ट। रिएक्टिव मतलब रिएक्टेंस। अगर यहाँ पे रेजिस्टिव लिखा होता फिर सही था, समझा? एक तो एक गायब हो जाता है, अलोप ही हो जाता है। ओके सर जी, सर समझ गए। 55 तक। मिस्टर इंडिया की फिर भी आवाज तो आती थी। दीप, ये तो मतलब बिल्कुल ही अंतर ध्यान हो जाता है पूछता पूछता। A choke coil should be 50th question number 50. A choke coil should have चोक कॉयल, वो होती है तुम लोगों को बताया था मैंने एक बार, ट्यूब के बीच में जो वो चोक लगी होती है ना, उसका काम क्या होता है? उसका काम सिर्फ इतना होता है कि ट्यूब को उड़ने से बचाना। तो वो क्या करती है, वो खुद पावर कंज्यूम नहीं करती, बस सिर्फ क्या है, सर्किट का इम्पीडेंस बढ़ा देती है ना। तो उसका काम क्या होता है, सिर्फ सर्किट का इम्पीडेंस बढ़ाना बिना पावर कंजम्पशन के। तो पावर कंजम्पशन तब नहीं होगी अगर उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो हमें चाहिए लो रेजिस्टेंस, तो ऑप्शन ये बनेगी या फिर ये बनेगी। लेकिन इंडक्टेंस उसकी हाई चाहिए ताकि इंपेडेंस ज्यादा आ जाए, तो हाई इंडक्टेंस एंड लो रेजिस्टेंस, खुद पावर कंजम्पशन ना करे। नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स टिल 56? डन, ठीक है जी, हो गया खत्म। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तो विद दिस वी फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। एसी खत्म हो गया है, बिल्कुल।